पास करता तो सर हम लोग के साथ सामने सर 3 बार टनल क्लैप्स किया सर, तो जब उसमें सर एयर लगना बंद हुआ तो हम लोग का सर वहाँ पर क्लैप्स हो गए, मतलब जो टनल था 0-0 में पैक हो गया, तो सर बढ़ा नहीं फिर। तो सर मैं अपने सर्वे किया, मैंने सर सर्वेयर भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि जो हम लोग का क्राउन एरिया है सर, वहाँ से बीच से और नीचे से सर टोटल 10 मीटर डिस्टेंस स्लोप में हम लोग का सर टनल क्लैप्स किया है सर। तो और मैं सर बाहर भी आ रहा था सर, मैं 400 मीटर सर पीछे था, जब आवाज़ आया तो सर जो ऑक्सीजन की पाइप जाती है, एक डार्क पाइप बोला जाता है सर, तो मैं सोचा शायद वो डैमेज हो गया। और मैं सर जब वहाँ पर गया तो मेरे सामने सर वो सर मलबा आ रहा है सर, तो मुझे थोड़ा सा जगह मिला जाने के लिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा, मेरा एक सर असिस्टेंट था बंगाल का था सर, और उसको बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाके बाहर इन्फॉर्म कर दूंगा तो सभी लोग आ जाएंगे। जब मैं सर थोड़ा घूम जाने की कोशिश किया और सर आने लगा, तो फिर मेरा हिम्मत टूट गया सर, तो मैं सेफ जोन में सर जो गेंट्री का लाइनर था सर, वहाँ पर मैं चला गया सर। तो बाकी सब बंदे आ गए सर, जितने हमारे 41 मेंबर थे सर। अंदर में तो सर लेंथ जो था सर 2.5 किलोमीटर था सर, और जो उसका जो चौड़ाई था सर टोटल 14 मीटर था, और लंबाई सर पूरा 10 मीटर था, लंबा चौड़ा टनल है सर। जी सर, ऑक्सीजन तो सर जैसे 2.5 किलोमीटर सर लेंथ था, इतना स्टॉक था सर कि हम लोग 2-3 दिन सर बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। बाकी कंपनी के सर बहुत कंपनी वालों ने प्रयास किया, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ने दिन रात सर काम किए, और हम लोग को सर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया, बाकी खाने पीने के सामान सर, ड्राई फूड और जो भी चीज़ें सर खाने पीने से संबंधित जो पाइपलाइन सर आ जाए उसको भी बंद, तो हम लोग का जीवन बंद हो जाएगा सर। तो वहाँ पर जब खाने पीने की सामग्री आने लगी और बाहर से काम चलने लगा, तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे सर। तो सर वहाँ जी सर लाइट तो सर हम लोग का 1 मिनट भी लाइट नहीं कटा, अंडरग्राउंडिंग केबल कंपनी वाले सर मतलब पहले से ही सब अपना करके रखे, ऐसा कोई आपदा हो तो परिस्थितियाँ में सर बंदे झेल सकें। बाकी सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर नरेंद्र मोदी जी सर, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी सर, और हमको ये अच्छा लगा कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर पल की खबर सर पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर हर पल की खबर लेते थे सर, ये हम लोग को सर जान के बहुत अच्छा लगा। और उनसे बात भी हुई सर हमारा 2 मिनट के करीब, तो परिजन के बारे में पूछे तो मैं बोला सर हमें तो बात किया परिजन से, बाकी वहाँ के जो हमारे सर और एक कॉमन चीज है सर, जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है वहाँ के वर्कर जो थे, मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि सर वो दिन रात काम करके वहीं पे सोते थे, बस फ्रेश होने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर जाते थे। और जितने पीएम थे, जीएम थे, और हमारे जो मामा थे सर वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हैं श्री विजय राय जी, वही हमारे फैमिली मेंबर में थे, बाकी भाई थे सर ये पीछे, ये पैकेज 5 में रहता था, इशू में आने नहीं दिया, वो पूरा संभाल के रखे। और वहाँ के कंपनी के जो सर जीएम थे और प्रसाद साहब और एमडी सर, और हमारे जो मामा थे विजय राय सर, जब सर अमेरिका से जब तो अगर मशीन आया ना सर, तो उन्होंने बताया कि वो ये नहीं देखते थे कि वो सीनियर या जूनियर है, वो खुद हाथ से सीलिंग डाल करके सर मशीन को पूरा अच्छे से सेफ जोन में लाए सर। बाकी सीनियर से लेकर के जूनियर से लेकर सर सब बंदे सर काम किए, बाकी सर पूरे गवर्नमेंट का सर पूरा सपोर्ट रहा। बाकी सर मैं आपसे बहुत मिलना चाहता था सर, और जब मैं टनल में फंसा था सर, हमारे सर विशेषज्ञ सर गए थे अरुण कुमार मिश्रा सर, इनसे बात हुआ सर जब मैं अंदर में फंसा था सर, फर्स्ट बार सर से बात हुआ तो मुझे तसल्ली हुआ कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आया सर, ये जान के सर हमारे जितने यूपी के सर बंदे थे सर बहुत खुश हुए। जी सर बिल्कुल ग्राम सभा मध्यपुर कला विकास खंड शिक्षा सत्यदेव मेरा नाम है जी सर। आप कब से हैं वहाँ पे? 3 महीने से। 3 महीने से गए? यही इधर ही गए? जी अगस्त में गए। जी सर मेरा नाम अंकित कुमार है सर। पहले तो सर नमस्कार, मेरा कहाँ से हैं सर? अवस्थी से हूँ सर। अवस्थी के? अवस्थी कहाँ से? मोदी फोर्ट से सर। आप कब से वहाँ पे हैं सर? वहाँ मैं लगभग 8 महीने से था सर। 8 महीने से काम कर रहे हैं। परिवार के लोग सब इस अवस्थी में ही रहते हैं? हाँ सर, सारे लोग, मम्मी पापा भाई बहन सबको सर अवस्थी में। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं सर अवस्थी से हूँ, यूपी। जी सर। आप कब से वहाँ काम कर रहे थे? सर 1 साल से। 1 साल से? जी। इसी कंपनी में सब लोग काम कर रहे हैं? जी सर। जी सर मेरा नाम जयप्रकाश है,
सरावस्ती सर मेरा सब लोग सावस्ती के रहने वाले छह से वहाँ काम कर रहे थे जी छह महीने पहले तीन महीने करके घर चला आया था उसके बाद दोबारा गया था जी सर मेरा नाम है रामचंद्र रहने वाले सरावस्ती का दो साल मेरा काम हुआ वहाँ छोटे सर वार्ड में मेरा सिला हो गया सर बस ना सर यदि आप लोग सब लोग अच्छा लगा सब लोग सकुशल सुरक्षित वापस आए हैं और आज आप लोग अब यहाँ से अपने घर जाएंगे क्यों परिवार के लोग सब पीछे वाले परिवार के लोग उनका परिचय करा दोगे अपने नाम तो आप बताओ सर मेरा नाम मनी राम है मेरा लड़का का नाम राम सुंदर मेरा नाम गन्नू है मेरा नाम लड़का का नाम जय प्रकाश आप क्या करते हैं अरे मैं तो घर ही रहता हूँ मेरा लड़का काम करता है सर धन्यवाद मेरा भाई फंसा हुआ हाँ मेरा भाई है पापा नहीं है इस दुनिया में हम दो भाई हैं जी सर नमस्कार सर अंकित हमारा नाम सीताराम है लड़का है आप क्या करते हैं खेती करते हैं सर गाँव श्रावस्ती गाँव में हाँ प्रणाम सर सर मेरा नाम महेश प्रसाद है सत्यदेव जो है हमारे भाई हैं सर मेरा नाम राम जी है ग्राम मोतीपुर कला जनपद श्रावस्ती मेरा भाई जो टैंडर के अंदर फंसा हुआ था इसके कारण परिजन के रूप में आए थे जी मैं पढ़ाई करता हूँ जी श्रावस्ती में जी प्रणाम सर सर मेरा नाम उदय सिंह है सर मेरे भैया हैं आप क्या करते हैं सर पैकेज फाइल में सर स्टोर में थे सर वहाँ पे वहीं पे तो सर कुछ 200 किलोमीटर से दूर था जो वही उसी कंपनी में काम करते हैं सर पिताश्री प्रणाम कहाँ से आए हैं जी जिला लखीमपुर खीरी से लखीमपुर खीरी से आपके हो जी आपके क्या हैं हमारा बेटा है आपके पिताजी चौधरी मेरा नाम आप गांव में रहते हैं आप हाँ गांव में रहते हैं चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का सबका अभिनंदन सब लोगों को भोजन वगैरह कुछ करवाए आगे मत आगे मत हाँ हाँ अपने फैमिली के साथ आप भी आ जाओ बगल में करो छोड़ दीजिए